हाय दोस्तों, आज एक नई डिश के साथ मैं आपके साथ हूँ, जिसमें हम चिकन पकोड़ा बनाते हैं। चिकन पकोड़ा कैसे बनाते हैं, स्टार्टर के रूप में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी बनता है, झटपट बनता है और बहुत ही कम सामान के साथ, घर के सामानों के साथ बन सकता है। देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, जिसमें यहाँ पर आधा किलो मैंने यहाँ पर चिकन, बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मध्यम आकार के मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में डालेंगे, जिसमें हमें मसालों के साथ मिक्स करना है। अब कुछ फ्लेवर ऐड करते हैं। आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टेबल स्पून धनिया पाउडर और एक टेबल स्पून यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर है, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। किचन किंग मसाला दो टेबल स्पून और एक टेबल स्पून चिकन मसाला यहाँ पे लिया है। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। लेमन जूस, यहाँ पे दो लेमन जूस को मैंने रस निकाल के डाल दिया। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे एक एग लेना है, अंडा लेना है। ये अंडे आप अपने हिसाब से दो भी ले सकते हैं, आधा किलो के हिसाब से मैंने यहाँ एक लिया है। इसके बाद हम इसमें तीन टेबल स्पून के लगभग कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा तेल डाल के सारे मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि चिकन में सारे मसाले अच्छे से कोड हो जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसे अच्छे से ढक के एक या डेढ़ घंटे के लिए अब इसे अलग से रख सकते हैं, या तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे कम से कम आधा घंटा के लिए मसालों के साथ इसे छोड़ दीजिए। एक या डेढ़ घंटे के बाद देखिए कुछ इस प्रकार के मसालों के साथ चिकन जैसे कोड हो जाएगा। अब हम इसे डीप फ्राई करना है। इसके लिए कढ़ाई में तेल लेके अब हम एक एक पीस करके हमें इसमें डीप फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके एक दो बैच में हमें सारे चिकन को अच्छे से लो टू मीडियम आंच पे ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। तेज आंच पे नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इसके कलर एकदम गोल्डन हो जाएगा। इसीलिए फ्लेम, गैस का फ्लेम हमें बहुत ही स्लो रखना है। लो टू मीडियम आंच पे इसे फ्राई करना है। एक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। मसालों के साथ ये बहुत देर तक अगर आप रखते हैं तो सारा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाता है, बहुत ही जूसी बनते हैं। सभी को ये बहुत पसंद आता है और स्टार्टर के रूप में आप इसे बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार का कलर आ जाना चाहिए, ये अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं। इसी प्रकार सारे चिकन को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए बहुत ही लजीज लाजवाब चिकन पकौड़ा बनकर तैयार है। आप इसे टमाटो केचप और यानी ग्रीन चिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से भी ये अच्छे से पक चुका है, इसलिए तेज आंच पे बिल्कुल भी नहीं इसे फ्राई करना है, लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करना है। देखिए बहुत ही डिलीशियस चिकन पकौड़ा बनकर तैयार है। आप अपने मेहमानों को खिलाइए, घर वाले को खिलाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और वो जल्दी बन जाता है। आज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।